पलक पावड़े बिछा दिए हैं, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकचव आयुष देता, हम परिवार समेत आपके सेवक हैं, आप आज्ञा करते हुए बिल्कुल संकोच मत करना। राम जी से कहा, आप उस राज्य को छोड़ करके आए, ये राज्य आपका है, आप यहां विराजो। राम जी ने कहा, पिता वचन में नगर न आवो। जब मना किया है तब उन्होंने पतरु संस्पा पुनीत तर रघुवर किए विश्राम, अशोक वृक्ष के नीचे उनकी व्यवस्था की जाती है। राम जी की निषाद ने व्यवस्था की है, सुकोमल पत्तों को बिछाया। राम जी जागते हुए देखते रहे, रात्रि का संवाद हुआ है, थोड़ा सा आगे भी हम बताएंगे। प्रातः काल जब हुई तो भगवान श्री राम जी ने राम तुरंत बट क्षीर मंगावा, सुमंत्र भी वहीं पर रात्रि को सोए। सुबह होते ही भगवान श्री राम जी ने एक से कहा कि राम तुरंत बट क्षीर मंगावा। श्री राम जी ने एक दोना बनाया और बट, जानते ना बट वृक्ष, बट बरगद का पत्ता, तोड़ो तो उसमें दूध निकलता है। राम जी ने उस बरगद के दूध को मंगाया और जटा मुकुट निज शीश बनाभा। श्री राम जी ने उसमें उंगलियां डाल डाल करके जो उनके घुंघराले बाल थे उनको जटाओं के रूप में परिणत कर लिया कि वहां पर शैंपू कहां मिलेगा, वहां साबुन कहां मिलेगा, इसलिए उन्होंने जटाएं बना ली। और जो ही राम जी जटा बना रहे थे, लक्ष्मण जी की जटाओं में परिणत कर रहे थे बालों को, सुमंत्र जी रो उठे, बच्चे की तरह रोए, दीन बाल जिमरुए। रोते हुए कहा कि मैं आपके पिता दशरथ जी का केवल मंत्री नहीं हूं राघव, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो, मैं बचपन से उनका सखा हूं। वे इतने बड़े सूर योद्धा है कि उनके साथ में देवता भी कुछ नहीं लगते, बड़े बड़े देवासुर संग्रामों में उन्हें लोहा लिया है, लेकिन दिल से इतने सुकोमल है कि राम मैं तुम्हारे पिता को जानता हूं। और उन्होंने चलते चलते कहा है कि सुमंत्र आनी फेर बेग दो भाई, जल्दी मेरे दोनों बेटों को वापस लौटा लाना, बने दिखाए सुरसरी अन भाई, आगे फिर मेरे दो भाई, और यदि वो ना लौटे तो तुम्हारे पिता ने कह दिया कि वो तुम्हारे प्राणों को जिंदा नहीं रखेंगे, इसलिए हे राम मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता, आप वापस लौट चलो। श्री राम जी ने बहुत प्रकार से उन्हें समझाया है और उसके बाद में लक्ष्मण जी को थोड़ा सा गुस्सा भी आया, तब पिताजी से कहो कि कोई एक ही नौका में पांव रख करके चलने, या तो वो धार्मिक ही बन जाए या पुत्र प्रेमी ही बन जाए। आपकी अभी तो अयोध्या में मैं इसलिए कुछ नहीं बोला कि मैंने सोचा कि मेरे पिता इतने बड़े धार्मिक हैं कि धर्म की बलवेदी पर उन्होंने पुत्र प्रेम का बलिदान कर दिया, लेकिन अब आप कहते हो पिताजी ने कहा बन दिखाए सुरसरी अनुभाई, केवल बन को दिखा लाना, जैसे हरिद्वार में लोग गौदान करते, कहते गाय की पूंछ पकड़ करके 11 रुपए में कहते गैया दान कर दी हमने, ऐसे पिताजी धर्म करेंगे? या तो वो पूर्ण तरह से धार्मिक बन जाएं या पूरी तरह से प्रेमी बन जाएं, यदि वो धार्मिक हैं तो अब उन्हें इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि राम कहां जा रहे हैं, और यदि वो प्रेमी हैं तो फिर भरत की तरह होना चाहिए। भरत ने स्पष्ट कह दिया कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। लक्ष्मण जी भी उसी पद के पतक थे, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि धर्म नीति उपदेशीयता ही कीरति सुगत भूत प्रिय जाही। महाराज सीता जी से कहा तो सीता जी ने फिर अपना उसी पात्रवृत्त धर्म का उद्धरण दिया कि आप तब आए। रामायण में जो पात्रों के नाम है ना, वो भी एक कथा है, वो भी एक संदेश है। दशरथ जी को क्या कहा गया कि ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, कौशल्या जी ज्ञान है, सुमित्रों उपासनात्मिका, और सुमित्रा जी उपासना है मानी भक्ति है, क्रिया शक्तिश्च के और के क्रिया शक्ति है। और दशरथ जी कहा भेदो दशरथो नपाह, दशरथ जी वेद हैं। अच्छा वेद में होता क्या है,
सुमंत्र। वेद में क्या होता है? मंत्र होते हैं। वेद के अंदर में क्या होता है? मंत्र। और वो भी मंत्र तो दुनिया में कोई भी दे सकता है, सुमंत्र होते हैं। और दशरथ जी के मंत्री का नाम क्या है? सुमंत्र। तो भर बस राम सुमंत्र पठाए। मानो कि भगवान श्री राम जी ने इस जगह पर आकर के वेदों को विदा कर दिया, क्योंकि वेद नेम का प्रतिपादन करते हैं। और जहां नेम होता है वहां प्रेम नहीं होता है, और जहां प्रेम होता है वहां नेम नहीं होता है। राम जी ने कहा अब वेद का खेल खत्म, अब तो प्रेम का खेल शुरू होने वाला है, अब यहां कोई नियम नियम नहीं चलेगा। इसलिए वेदों को बरबस राम सुमंत्र का भैया वो नहीं जा रहे थे, लेकिन कहा जाओ अब तुम। बरबस राम सुमंत्र पठाए और सुरसरी तीर आप तब आए। तब राम जी कहाँ आए? गंगा के किनारे आए। गंगा क्या है? प्रेममयी भक्ति की धारा। राम भगत सोई सुरसरी धारा, सरस है ब्रह्म विचार प्रसारा विदिन। तो ये और यहां आकर के प्रभु श्री राम भद्र जी ने देखा चारों तरफ और फिर आवाज लगाई, मांगी नावना मांगी नाव न केवट आना और कहे तुम्हारा मरम में जाना। तो आप इस चौपाई के अर्थ बड़े विलक्षण हैं, जरा पहले आधी अर्धाली के अर्थ पर चिंतन कर लो। क्या अर्थ है इस आधी चौपाई की? मांगी नाव न केवट आना के तीन अर्थ बोले क्या? बोले इसमें जो ना है ना वो बिल्कुल बीचों बीच में है, इसमें आप जिधर कौमा लगा दो अर्थ बदल जाता है। तो पहले कहा मांगी नाव और ना उधर कर दिया, बोले ना के भट आना, अर्थ हो गया राम जी ने नाव मांगी लेकिन केवट नौका लेकर के नहीं आया। अब ना के बाद में कौमा लगा दो तो अर्थ बदल गया, बोले मांगी नाव ना, राम जी ने नाव नहीं मांगी, केवट खुद ही नौका लेकर के आ गया। और तीसरा का कौमा ही मत लगाओ तो क्या होगा? बोलेगा जब हो जाएगा फिर दोनों तरफ चला जाएगा ना का अर्थ। बोले मांगी ना वो न केवट आना, तो बोले ना तो राम जी ने नाव मांगी और केवट बोला तो खड़े रहो ऐसे ही मत मांगो, हम भी लाने वाले नहीं, ना केवट नौका लेकर के आया। एक उदाहरण सुनाया आपको बड़ा प्यारा। एक पंडित जी गए काशी पढ़ने के लिए, पढ़ लिख तो पाए नहीं और बस खई के पान बनारस वाला मस्त होकर के घूमा करते थे, तो पढ़ाई लिखाई कुछ की नहीं। आ गए घर लौट करके, बेटा ने बाप ने कहा कि बेटा इतने पढ़ लिख के, दूसरे सज्जन आए बोले महाराज घर में कुछ बाल बच्चा होने वाला है तो आप बताओ क्या होगा, पुत्र के पुत्री का नोट करो। बोले क्या? बोले पुत्री ना पुत्रा, बोले अर्थ का अर्थ तो हम बाद में बताएंगे। एक तीसरे सज्जन आए, उनसे भी उन्होंने यही कह दिया कि अर्थ बाद में बताएंगे। अब वो पहले वाले सज्जन आए और पहले वाले सज्जन ने आकर के कहा कि महाराज अब अर्थ तो बता दो। बोले पहले तुम हमें बता दो कि हुआ क्या है। नचावन हारे होते वो न जानहि मरम तुम्हारा, तो और तुम्ही को जानन हारा। वो भी तुम्हारे मरम को नहीं जानते ब्रह्मा विष्णु महेश, तो कोई दूसरा क्या खाक जानेगा तुम्हारे मरम को। लेकिन केवट कहाए मरम में जाना, केवट कहता है मैं आपके मरम को जानता हूं। अच्छा एक बात आप बताओ, आप किसी दुकान पर जाओ और लिस्ट दे दो कि भैया इतना तेल इतना शैम्पू इतना फलाना इतना ढिकाना सारी चीजें लिख करके दे दो, ये बना करके दे दो, उस लिस्ट रखे रहे आपका भैया दो ना, और आपको सामान तो दे नहीं और आपसे कहने लगे कि हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं, बोलो झगड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा है? राम जी ने कहा भैया नौका ले आओ, कहता हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। और वो भी राम जी से कह रहा है, कहा बड़े गजब की बात, कही कोई तरीका है? कहा है तुम्हारा मरम में जाना। तो लक्ष्मण जी ने कहा तू बता ही दे, बड़ी देर से मरम मरम लगा रखा है, बता दे तू क्या मरम को जाना है। बोले एक मरम हो तो बताए। इस चौपाई के अलग अलग अर्थ हैं। एक तो अर्थ को स्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया, बड़ी प्रसिद्ध बात थी कि तरण्यु मुनि घरनी हो जाई बाटे परे मोरी
नाव उड़ाई। महाराज सुना है जिस समय आप जनकपुर जा रहे थे आपके रास्ते में एक पत्थर आया और पत्थर से आपने चरण लगाया और वो किसी ऋषि की पत्नी बनकर के आकाश को उड़ गया। अब आपके बन के रास्ते में मेरी नौका आ गई है, इससे भी आपका चरण छुएगा। अब हमें का पता जी कौन ऋषि की पत्नी हो पूर्व जन्म में, जे भी उड़ करके चली जाए उस ऋषि का तो घर बसे और हमारा घर उजड़ जाए, ये कौन सी रिश्तेदारी सौदेबाजी। इसलिए कहाँ है तुम्हारा मरम में जाना, मैं आपके मरम को जानता हूं। और दूसरे संत ने एक अलग अर्थ किया। दूसरे संत ने अर्थ करते हुए कहा कि केवट पूर्व जन्म में क्षीर सागर का कछुआ था और जब क्षीर सागर में कछुआ था उसने सोचा ये जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहु न राम कहो। जीवन को सौभाग्य को मानव जीवन को धन्य कर लूं, प्रभु के चरणारविंदों का चरणामृत पाकर के जीवन धन्य हो जाएगा। तो जो ही चरणों की तरफ कछुआ गया तो महाराज वहां पर लक्ष्मी जी थी और लक्ष्मी जी ने पंखे की हवा से उसे भगा दिया वहां से। सोचा चलो चरणामृत नहीं ले पा रहे हैं तो उनकी झांकी का ही दर्शन कर लें। और जब मुखारविंद की ओर गया तो शेषनाग जी ने ऐसी फूंक मारी कि बेचारा उछलता हुआ कहां जाकर के गिरा। तो बेचारा बड़ा रोया, नारद जी को दया आई। नारद जी ने समझाया, बोले त्रेता ब्रह्म मनोजी तनु धरही, यही भगवान त्रेता में मानव का रूप धारण करके आएंगे, तुम चले जाना और जब तक तुम इनसे चरण ना पखाड़ लो तब तक गंगा जी के पार मत उतरना। कहा है तुम्हारे, दुनिया से भले ही अपने आप को छुपो पर मुझे मालूम है आप वही क्षीराब्ज साई साक्षात भगवान हो आप। इसलिए कहा है तुम्हारे मरम में जाना। एक तीसरे संत ने इसका अलग अर्थ किया। तीसरे संत ने अर्थ करते हुए बताया कि केवट है ज्यादा सत्संग तो कभी उसको बिचारे को मिलता नहीं था। सो केवट एक दिन कहीं रास्ते में चला जा रहा था और कथा हो रही थी, कथा में बैठ गया और कथा में सुना कि यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जब जिस भाव से पुकारता है मैं उसके सामने उसी भाव में प्रकट हो जाता हूं। सो एक दिन केवट मछली पकड़ने के लिए नदी के किनारे गया, समुद्र के किनारे गया और बार बार मछली डाल रहा था निकालने के लिए वो बंसी, लेकिन एक भी मछली फंसी नहीं रही थी। अब उसका ध्यान सत्संग में चला गया। कहा भगवान को जैसे भाव से जपो भगवान मिल जाते हैं। तो उसने सोचा यार कहीं ठाकुर जी फंस जाते हैं मछली के रूप में, तो थे वो, अगर वो फंस जाते इसी में मजा आ जाता इसी में। और अभी वो सोच ही रहा था उसकी बंसी वजनदार हो गई और भजनदा, अरे मछली फंस गई। अब वो खोचने की खींचने की कोशिश करे, बड़ी मुश्किल से उसने खींची। जब ऐसे खींची उसने नौका में रख करके, आज तो गजब ही मछली थी। आज मछली के ऊपर में चार हाथ दिखलाई पड़ रहे थे, मुखारविंद दिखलाई पड़ रहा था, मुकुट धारण किए हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, नीचे से मछली का रूप। तब भगवान फंस गए उस जाल में। आज तो मजा आ गया भगवान को जाल में, भगवान के भक्त जिसमें ना फंसा लें भगवान को। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। महाराज पकड़ करके लाए और जो ही उसने जाल खोला और त्यों ही भगवान की छवि का दर्शन किया और छवि का दर्शन करने के बाद में बिजली जैसी चमकी और छवि अदृश्य हो गई। केवट तड़प उठा। केवट जब तड़पा रोया चिल्लाया कि मेरे प्रभु ये क्या हुआ। कहा बस अभी तुम थोड़ी सी, तुम्हें वानगी ट्रेलर थोड़ा सा दिखाया है और अगली जन्म में तुम्हें पूरा प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा मैं। इसलिए कहा है तुम्हारे मरम में जाना। वही जो मेरे आप जाल में फंस करके मछली के रूप में आए थे, आपने वचन दिया था कि मुझसे चरणों को धुलाएंगे, आप वही ठाकुर जी हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराज चौथे संत ने एक अलग अर्थ किया। चौथे संत ने अर्थ करते हुए बताया कि महाराज मुझे अच्छी तरह से बात समझ में आ गई। बोले क्या बात समझ में आ गई। कहा हमने सुना है कि आपके पिताजी ने एक बार भी नहीं कहा कि राम को वनवास छोड़ कर क्या, और उन्होंने कहा था गंगा दिखा लाना, आप हट पूर्वक बाहर जा रहे हो गंगा जी के। इसलिए हमारे राजा की आज्ञा यह है कि केवल तुम्हें गंगा जी का दर्शन कराया जाए, वन को दिखा दिया जाए, लौटा दिया जाए।
तो महाराज हमारे जो राजा हैं इस देश के वो तो केवल राजा हैं, दशरथ जी तो उनके भी राजा हैं, ये तो ब्रांच है उनकी। और यदि राजाज्ञा के विपरीत उनकी आज्ञा है कि मुझे गंगा के पार आपको ना पहुंचाया जाए, और फिर भी मैं अपनी नौका में बैठा करके अगर आपको नौका की गंगा के पार कर दूंगा तो सरपति के कोप ही परे हों, तो मैं भूपति के कोप का भाजन बनूंगा, इसलिए मैं राजा का क्रोधाज्ञा का पालन नहीं करना चाहता, क्रोधाज्ञा में नहीं पढ़ना चाहता। पांचवें संत ने एक अलग अर्थ किया इस चौपाई का, कहा है तुम्हारा मरम में जाना। पांचवें संत ने कहा कि महाराज केवट ने देखा कि ठाकुर जी थोड़े से अयोध्या को याद कर करके निराश थे, उदास थे, तो केवट ने सोचा कि जरा ठाकुर जी को हंसाया जाए, कुछ ऐसी बात की जाए। तो केवट ने कहा कि ठाकुर जी जो जिस फसीदा का फंसा हुआ होता है ना, दूसरों को भी फंसाना चाहता है। बोले क्या हुआ? कहा कि असल में आपके पिताजी की थी तीन रानियां और उनमें हुआ आपस में झगड़ा, और झगड़ा का परिणाम यह हुआ कि तुम्हें वन भेज दिया गया। सो आप ये चाहते हो कि मेरी नौका को एक स्त्री बना करके मेरे घर में भी दो स्त्रियां पैदा कर दी जाएं, ताकि झगड़ा हो और मेरे भी बेटा घर से निकाले जाएं, इसलिए ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा। कहा है तुम्हारा मरम में जाना, मैं आपके मरम को जान गया, इसलिए मैं आपको कदापि पार नहीं उतारूंगा। उसके बाद में महाराज चिंतन करते हैं तो एक संत ने अलग अर्थ किया, सातवें संत ने अलग अर्थ बताते हुए कहा, संत कहते हैं कि एक मेरा भी भाव है। बोले अपना भी भाव बता दो। कहा उस संत ने कहा कि केवट ने कहा कि आप बड़े निर्दयी हो। लक्ष्मण जी ने कहा जरा सावधानी से होश में बोलो, हाँ नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। राम जी को निर्दयी, राम जी श्री राम चंद्र कृपालु भजवन हरण भाव भय धारणम, और तू राम जी को निर्दयी कहता है? हमें मालूम है तुम कितने कृपालु। बोले क्यों क्या हुआ? कहा देखो ना बेचारे अयोध्यावासी कितने प्रेम से तुम्हारे साथ में चले और आपने कितनी दयालुता दिखाई, बेचारे सो रहे थे और आप सोते हुए उन्हें छोड़ करके यहां पर आ गया, कितना धोखा दिया आपने उनको। आखिर जब वो जागेंगे तो राम राम कह चौदिशी धैये, चारों दिशाओं में दौड़ेंगे राम राम कह करके, और कोई ना कोई भला मानस यहां तक का रास्ता दिखा देगा, वो यहां पर आ जाएंगे। आपको खोजते खोजते जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैट, तुम्हें भी खोज लेंगे, यहां पर आ जाएंगे और फिर पूछेंगे भैया राम जी कहाँ गए, तो बता देंगे राम जी तो गए। बोले किधर? बोले पल्ली पार। किसने पार उतारा तो बता देंगे, जी केवट ने उतारा है। तो आपके वियोग में गुस्सा हुए लोग बोले मारत मारत और लई है प्राणा, पर कहा है तुम्हारे मरम में जाना, हमारे प्राण चले जाएंगे इतनी पिटाई करेंगे, चौपाई रामचरितमानस के नहीं अच्छा। तो मारत मारत लई है प्राणा और कहा है तुम्हारा मरम में जाना। आठवें संत ने इसका एक अलग अर्थ किया और आठवें संत ने कहा कि केवट बुला के प्रभु जी आपको अगर भटकाना है तो भक्तों को भटकाना, मैं तो बिना पढ़ा लिखा गंवार हूँ आपके सामने, इसलिए आप मेरी परीक्षा मत लो, मुझे तो सीधे कह दो कि आप भगवान हो, मैं आपको जानता हूँ। बोले क्या जानते हो आप मेरे बारे में? बोले जासु नाम सुमी रति की बारा उतरही नर भव सिंधु अपारा, जासु नाम सुमी रति की बारा उतरही नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु के वटहीन होरा, सोई कृपालु के वटहीन होरा, जही जग किए त्यों पगहुं ते थोरा, जही जग किए त्यों पगहुं ते थोरा। नौवें संत ने कहा कि प्रभु जी मुझे मालूम है आप वही भगवान हो जिसके नाम को जप करके लोग भवसागर को पार कर जाते हैं, और आप गंगा जी को पार नहीं कर जाओ, आप तो भगवान हो, अदृश्य होकर के चले जाओ।
बोले भैया ऐसा नहीं हो सकता। तो एक दसवें संत ने एक अलग अर्थ बताया। दसवें संत ने कहा कि प्रभु जी, उसने स्पष्ट रूप से कहा। बोले क्या कहा? का प्रभु पग बांधत प्रभु बाढ़ सोतनु भरन न जाए। आप वही भगवान हो। पहले तो ये बताया आप वही भगवान हो जिनके नाम से भाव सागर पार करते हैं। अब कहते हैं आप वो परमात्मा हो जिन्होंने तीनों पांव में, दो पांव में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था। बोले तो फिर क्या करें? कहा कि जो आप दो पांव में आप ब्रह्मांड को नाप सकते तो एक उपाय बताऊं। बोले क्या? बोले थोड़े बड़े हो जाओ। बोले फिर? कहा एक पांव गंगा जी के इस तरफ रख लेना और एक पांव गंगा जी के उस तरफ रख लेना और फिर लक्ष्मण जी को अपनी गोद में लेकर के उस पार उतार देना और फिर जानकी जी को अपनी गोद में लेकर के। और कहा उसी समय कोई ने आकर के फोटो उतार लिया तो कहेंगे राम जी गोदी में लिए सीता जी को। बोले कहे तुम्हारे मरमों में जाना। अनेकों अनेक भाव उन्होंने बताए और उसके साथ में कहते हैं कहा कि मरम जानते कैसे, मरम जाना कैसे, मरम को जानने के लिए बिन गुरु ज्ञान न होए और ज्ञान की होए विराग बिना। बिना गुरु के ज्ञान मिलता ही नहीं है, इसलिए गुरु धारण जरूर करना चाहिए। क्योंकि गुरु बिन भवन दी तरये न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। एक बात याद आई तो मैं आपको बता लूं। बहुत से लोगों ने हमसे कहा गुरु दीक्षा के लिए, तो कल का ही दिन निर्धारण किया गया है, सुबह 8 बजे जिन लोगों की भी गुरु दीक्षा लेनी है वो श्री तुलसीराम गोठवाल जी के घर में आ जाएंगे और वहीं पर गुरु दीक्षा कल सुबह 8 बजे उपस्थित वहां पर होना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब उसने कहा कि मुझे मालूम अमरम में जान गया, तो राम जी ने कहा कि बिना गुरु के मरम जान नहीं सकता मेरा कोई, इसलिए तुम बताओ तुम्हारा गुरु कौन है। कहा बता दूं? कहा भैया बताने के लिए पूछ रहे। लक्ष्मण जी से पूछ, छोटे सरकार बता दूं? कहा बताना। तो केवट बोला मेरे गुरु जी यही हैं, आपके छोटे भाई साहब। अब राम जी ने मुड़ करके लक्ष्मण जी की ओर देखा, बोले लक्ष्मण जटाएं तो तुमने कल बनाई है, चेला मुड़ना कब से शुरू कर दिया। ये कहता तुम गुरु हो? लक्ष्मण जी का बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है, इसको मैं जानता नहीं, मैंने इसको देखा नहीं कभी, पहली बार मैं देख रहा हूं, चेला कहां से मैंने बना लिया। तो केवल का शांत शांत काम डाउन, ज्यादा नाराज मत हो, केवल कान फूकने से चेला थोड़ी बनते। बोले तब? बोले आपने चेला बनाया है। बोले कैसे बनाया? का ध्यान करो, एक प्रश्न बता रहा है कि कैसे चेला बना हूं मैं आपका, कैसे आपसे ज्ञान मिला। और एक प्रश्न यहाँ पर और भी पैदा होता है, एक मरम और भी यहाँ पर। वो कहते हैं कि आप जरा सोचो कि यदि ये केवट इतना परेशान कर रहा था, कहे तुम्हारा मरम में जाना, कहे तुम्हारा मरम में जाना, तो क्या है वहां दूसरी नौकाएं नहीं थी? लक्ष्मण जी कहते रख तुम अपने नौका को, दूसरी नौका मंगा लेते। दूसरी नौका क्यों नहीं मंगाई? दूसरी नौका नहीं मंगाई। और बड़े गजब की बात, जब राम लक्ष्मण जी गंगा के किनारे आए हैं, नाव को मांगा है, जब उस समय पर राम लक्ष्मण अकेले, राम लक्ष्मण सीता जी अकेले नहीं थे, उनके साथ में वहां के निषाद राज गुही, वहां के राजा भी थे साथ में। लिखा है उत्तर ठाण भय सुरसर रेता सी राम गोय लखन, गुही भी वहां साथ में। इतना बड़ा राजा, उसने बोला क्यों नहीं कि मेरे राम जी राज की अतिथि हैं, चीफ गेस्ट हैं, इनको जाने दो, बकवास मत करो, अपनी नौका से निकलना चाहिए था। इस मरम को जानने के लिए इस प्रसंग में आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। और पीछे मैं आपको इस प्रसंग पर ले चल रहा हूं, जो प्रसंग अभी थोड़ा छोड़ के आया हूं। जिस दिन प्रभु श्री राम लक्ष्मण जानकी जी एक दिन पहले जब निषादपुर में आए, श्रृंगवीरपुर में आए, और वहां पर जब राम लक्ष्मण जानकी जी पहुंचे और ये बात यह सुधि गुहे निषाद जब पाई, निषाद को जब उसकी सुधि लगी तो निषाद ने पूरी व्यवस्था की है उनकी। केवट को भी पता लग गया कि आज राम जी आए, जितने केवट वहां पर रहने वाले थे सारे केवटों को पता लग गया कि कल राम जी गंगा जी से उस पार जाएंगे,
तो कौन सौभाग्य का क्षण नहीं चाहता। हर एक सैकड़ों सैकड़ों केवट अपनी अपनी नौकाओं को सजाने में लग गए और हर एक केवट ये सोच रहा है कि जिसकी नौका सबसे ज्यादा अच्छी सजी हुई होगी राम जी उसी नौका में बैठ करके पार करेंगे। सब केवट अपनी अपनी नौकाओं को सजा रहे थे, कोई स्वर्ण पत्र जल रहे थे, किसी के पास में चांदी थी वही जल रहा था, कोई वारणेश कलर कर रहा है, कोई बंधनवार पताका लगा रहा है, कोई चंदोबा तान रहा था, कोई स्वागतम सुस्वागतम करके अपनी अपनी नौकाओं को सजा रहे थे। उन्हीं केवटों में बेचारा ये केवट था जो युगों से प्रतीक्षा कर रहा था, क्षीर सागर से आया था कि राम का चरणामृत मुझे मिले। वो जब गंगा के घाट पर आया, देखा हर एक केवट अपनी अपनी नौका को सजाने में लगे हुए हैं, वो तड़प उठा और तड़पते हुए उस केवट ने सोचा कि यह भी मेरा जीवन श्री राम के चरणामृत को लिए बगैर ही निकल जाएगा, मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली हूं, और अपने दुर्भाग्य पर रोते हुए नौका में सिर पटक पटक करके रोने लगा। उसकी पत्नी ने सोचा सांझ ढल गई है, मेरे प्रियतम अभी तक नहीं आए, जरा मैं देखूं तो। नदी के किनारे आई, गंगा के किनारे, देखा पति नौका में सिर पटक पटक करके रो रहा था। पत्नी ने अपना हाथ नीचे रख दिया, प्रियतम आज खुशी के क्षण में तुम रो क्यों रहे हो? आज तुमने सुना तो है ना, आज राम जी आए और कल राम जी पार करेंगे गंगा जी को, आज कितने दिनों की आपकी मुराद पूरी होने वाली है और आप रो रहे हैं। केवट ने कहा यही तो मेरा दुर्भाग्य है, मैं इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहा हूं, लेकिन देखो जरा हर एक केवट अपनी अपनी नौका को सजा रहा है और मेरी तो ये टूटी फूटी नौका, कुछ भी पैसे नहीं, मैं क्या सजा पाऊंगा इसको? जिसकी ज्यादा सजी हुई नौका होगी उसी पर राम बैठेंगे। तो पत्नी ने कहा कि मैंने सुना है कि ओरे प्रेरक रघुवंश विभूषण, राम जी सबके हृदय में प्रेरणा देते हैं, जैसी प्रेरणा देते हैं वैसी होता है, इसलिए राजा निषाद साथ में रहेंगे, राम जी उनके दिल में प्रेरणा दे देंगे, वो आपकी ही नौका को बुलाएंगे। कहा लेकिन मैंने तो ये सुना है कि आज राजकीय नौका को भी तैयार किया जा रहा है, और सुना है कि निषाद जी खुद अपनी नौका से राम जी को पार कराएंगे, खुद नाव चलाएंगे। तो केवट ने, तो पत्नी ने कहा घबराओ मत, हमने एक बात सुनी है शास्त्रों में कथाओं में। बोले क्या? बोले अर्धि तजहि बुध सर्वस जाता, अगर सर्वस लुट रहा हो तो आधे को बचा करके सौभाग्य लूट लेना चाहिए। बोले आधा कैसे बचेगा? कहा देखो राम जी कल आपकी नौका में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे ये कल की बात है, बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे कल की बात है, लेकिन आज एक सौभाग्य ले सकते हो। बोले क्या? कहा कि आज एक काम करो, राम जी जहां लेटे हुए हैं आप वहीं पर चले जाओ, हमने सुना है कोल भीलों की राम जी जहां सोए हुए, चारों तरफ ड्यूटी लगाई जा रही है, आप भी एक मसाला पकड़ लेना, आप भी एक भाला लेकर के वहीं पर खड़े होना जहां राम जी सो रहे हैं, और उनको जी भर के दर्शन तो कर लो, चरणा पखार पाओ तो दर्शन तो करने का सौभाग्य ले लो। केवट ने पत्नी को हृदय से लगाया और चला गया गुहे निषाद के पास में, एक भाला थामा एक और एक मसाल लेकर के जहां राम जी शयन कर रहे थे पर्णसैया पर वहीं पर खड़ा हो गया। महाराज खड़े होकर के राम जी को निहारते हुए रात्रि को पहरा दे रहा था, इसी बीच में आधी रात को किसी की रोने की आवाज आई। लक्ष्मण जी ने गौर से सुना कौन, महाराज केवट ने गौर से सुना कौन रो रहा है, पहचान गए कि ये तो मेरे राजा साहब की आवाज है, राजा साहब रो रहे हैं, गुहे निषाद रो रहे हैं। क्यों रो रहे थे? ध्यान से सुनने लगा वो। उसी समय लक्ष्मण जी ने कहा कि आप रो क्यों रहे हो सौभाग्य के अवसर पर? काके कई नंदन मंद मति कठिन कुटिल पन कीन, जही रघुनंदन जान की सुखे अवसर दुख दीन। आखिर के नंदन ने कितना कठिन कुटलपन किया जिनसे सीताराम जी को आज मखमल के गद्दों पर होना चाहिए, आज इस उल्टा केके ने अपने दुर्भाग्यवश बनपथ पर कंटका किरण भूमि पर राम को पर्ण से यहां पर सुला दिया। कितनी कठोर नारी है। और जो ही इतना शब्द कहा लक्ष्मण जी ने उसके मुख पर उंगली रख दी, खबरदार अगर आपने केके के विरुद्ध कुछ बोला
बोले क्यों आप भी उन्हीं के पक्ष के हो क्या, उन्हीं की पार्टी के? बोले हम किसी पार्टी के नहीं है। तो बोले फिर तुम्हें ऐसा क्यों? बोले लक्ष्मण जी ने कहा, कहू न को सुखे दुखी कर दाता, कहू न को सुखे दुखी कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कहू न को सुख दुख कर दाता, कहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी ने कहा, खबरदार अगर मेरी माँ को आपने कुछ कहा, काहू न को सुख दुख कर दाता, अज राम नमारे काऊए नहीं है पापी राम, नरे आपन मर जाते हैं कर कर खोटे काम। काऊ न कोई, न कोई किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है, सब अपने अपने कर्मों का परिणाम पाते हैं। महाराज ने साथ जी ने कहा कि आपको क्या हो गया है, आप कैसी बात कर रहे, आप राम जी पर बोल रहे हो, राम जी की ये कर्म है आज ये पन्नसिया पर नीचे सोए हुए। बोले भैया मैं संसार के लोगों के लिए कह रहा हूँ, और बोले ये का ये संसार से परे हैं, इनके बारे में जब तुम जान लोगे तो तुम केकई के लिए कुछ भी नहीं कहोगे। केकई के लिए तो मैंने कल जो गाया ना, माताओं ने कहा बन जाने हते बन जाने हते, केकई को दों से लगाए करना तुमको था, हम तो सब खिलौने हैं इनके हाथ के। ये जो फिल्म चल रही है ना, ये जो मूवी चल रही है ना, बोले इसके एक्टर भी यही हैं और डायरेक्टर भी यही हैं, कहानी भी इन्हीं ने लिखी है और एक्टिंग भी यही कर रहे हैं, जिसको जहाँ पर पार्ट पर खड़ा कर रखा है सब अपने अपने पार्ट को प्ले कर रहे हैं, इसलिए इनको बन जाना ही है निजी इच्छा। अब देखो एक प्रश्न उठता है यहाँ पर, और प्रश्न ये उठता है कि वो जो केवट नौका सजा रहे थे क्या वो भक्त नहीं थे? इसी को भगवान क्यों मिले, उसका कारण है। वो लोग सोच रहे थे मेरी नौका अच्छी होगी, कंपटीशन में लगे हुए थे, उसकी नौका कैसी, क्या लगा रहे हैं? बोले चांदी, बोले हम सोना लगाएंगे। ऐसा जो धर्म होता है ना बहुत काम का नहीं होता है, कंपटीशन में किया गया धर्म, इसलिए स्वेच्छा से करो। वो लोग प्रतियोगिता में पड़े हुए कि हमारी नौका अच्छी होगी तो राम मुझे मिल जाएंगे। जहां राग द्वेष आ जाता है वहां पर भगवान हमसे दूर चला जाता है। एक भक्त ने उपासना की, व्रत किया, शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा वरदान मांगो। बोले वरदान क्या मांगे, अब कितना वरदान, एक वरदान दे दोगे खत्म हो जाए, आप तो हमें कोई ऐसी चीज दो कि उससे जब चाहे तब वरदान मांग लें। शंकर जी खुश हो गए, एक शंख दे दिया, कहा ले जाओ इस शंख को बजाना, जो मांगोगे तुमको मिलेगा, जब मांगोगे तब मिलेगा, मिलेगा ना? बोले हाँ। लेकर के शंख भागा खुश होकर के। शंकर जी ने कहा ठहर एक बात है। बोले अब क्या बात है, अब तो मिल गया? बोले नहीं एक शर्त है इसके साथ में। बोले क्या? कि तुम इस संघ से जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पांच पड़ोसियों को उससे दुगना मिलेगा। उसने मस्तक ठोका, तपस्या हमने करी, भूखो हम मरे, और जो लाभ बगल वाले उठाएंगे हम बजाएंगे ही नहीं, बेकार हो गया तपस्या करना। ला करके घर में संघ को रख दिया छुपा करके, पत्नी से कहा कि संघ को बजाने से दुगना पड़ोसियों को मिलता है, बजाना मत देना। बाहर चले गए, पत्नी भली मानस थी, उसने सोचा दूसरों को लाभ मिले, उसने उसमें अपन को कहा जाए, हम तो दूसरों को लाभ, हमारे तो बच्चे कम से कम चैन से रहेंगे, सुख से रहेंगे। सो उसने शंकर भगवान की विधिवत पूजा की, प्रार्थना की कि हे शंकर भगवान, हमारा घर जो एक मंजिल है उसको ऐसी कृपा करो कि कम से कम तीन मंजिल का मकान बन जाए, उसका तीन मंजिल का वाला पास पड़ोस के छः छः मंजिल के महान लहला उठे मकान। उसने कहा महाराज भगवान ऐसी मंगलमयी कृपा करो कि मेरा एक सुपूत हो जाए, उसको एक पुत्र, दूसरों घर में दो दो जुड़वा पुत्र खिलकारियां मारने लगे, जो जो उसने मांगा दो दो, एक गाड़ी मुझे मिल जाए, दूसरों की गाड़ियों में बैंक से सीधी दो दो गाड़ियां उतर करके आ गई।
श्रीमान जी बाहर गए हुए थे, लौट करके आए तो पूरा का पूरा कुनवे का नक्शा बदला हुआ था। बोले लगता है कि राजा की जो मंत्री मुख्यमंत्री का कुछ योजना आई और सबके मकान बनवा दिए गए इतनी जल्दी। और जब वो पहुंचे बोले सबके तो छः छः मंजिल का, तीन ही मंजिल का, सबके सामने दो गाड़ी, उनकी एक ही गाड़ी, समझ गए ये तो शंख बजा दिया इसने। आकर के पूछा क्यों पगली, मानी नहीं, शंख बजा दिया ना। और उन्हें बच्चे भूखे रो रहे थे, हमने बजा दिया, देखो ना अपना तो घर कम से कम अच्छा है। कहा नहीं, तुझे शंख बजाना नहीं आता, मैं बजाता हूँ, देख तू। पूजा की, हे शंख भगवान ऐसा कृपा करो कि मेरा एक ही एक छत रह जाए बस। अब महाराज उनकी कहा हो स्थिति, उनकी तो गई और भी एक ही एक रह गई, उनकी और धस गई अंदर में। उसने कहा कि ठाकुर जी एक ऐसी कृपा करो कि मेरी एक आंख गोविंदा नमोनमा हो जाए। उनकी एक आंख गोविंदा नमोनमा हुई, पड़ोसियों की दोनों दोनों आंखें सियावर रामचंद्र जी की जय। ठाकुर जी ऐसी कृपा करो हे शंकर भगवान कि मेरे ठीक देहली के सामने एक कुआं खुद जाए। उनकी देहली के सामने एक कुआं और दूसरों के सामने दो दो कुएं खुदे। अब लोग घबरा करके भागे, तो ये तो एक आंख का था, इसे दिखाई पड़ता था निकल के भाग जाए। लेकिन दूसरे वाले जैसे जैसे एक कुएं से बचे तो दूसरे में धड़ाम, और खुश हो कि क्या आनंद आ रहा है। दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जे हर्ष हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की विपत्ति पर उनको प्रसन्नता होती है। ऐसे लोगों को भगवान नहीं मिलते, कंपटीशन रागत द्वेष जिनको होता है उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और इसलिए महाराज ये हुआ कि दूसरे को केवटों को भगवान नहीं मिले, और इस केवट के सामने आज भगवान खड़े हैं। और दूसरा कारण एक और भी है कि भगवान वहाँ पर निषाद जी क्यों नहीं बोले, ये भी समझ में आ गया आपको इस दृष्टांत से। और आपको ये भी बात समझ में आ गई कि उसका गुरु कौन था, उसने कैसे जाना कि राम भगवान है, लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य हैं, उनसे उन्हें समझा। अब उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया बात तो सीधी सीधी, क्या चाहता क्या है। तो उसने कहा कि जो प्रभु पारे अवश्य गा चाहू, तुम ही पद पदुम पखारन कहू। जो प्रभु पारे अवश्य गा चाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहू। जो प्रभु पारे जब लगन पाए पकारे हो, तब लगे न तुलसी दास नाथ कृपाल पारे हो तारे हो। तब लगे न तुलसी दास नाथ कृपाल पारे हो तारे हो। चौधरी करने के लिए नहीं तो और लोग भी उठने लग जाएंगे। समझदार लोगों को समझदारी से काम करो, बैठ जाओ, बाद में आप लोग चरण पकड़ लेना। कथा के बीच में आप उठेंगे तो कथा में व्यवधान हो जाएगा। इसलिए तो मैं आपको ये कह रहा था, मुहे पद कमल पखारण कहू। केवट ने कहा कि पद कमल धोए, मेरी केवल इतनी सी छोटी सी इच्छा है कि मैं आपके चरण पखड़ लूं। और मैं सत्य कहता हूं कि इसके बदले में मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए। और अगर आपको विश्वास ना हो तो केवट बोला कि हे राम, आपकी सौगंध आपके बाप की सौगंध। लक्ष्मण जी ने कहा इसकी हिम्मत तो देखो, सीधे ही बाप का नाम ले रहा है, इतनी हिम्मत है दशरथ जी को। दशरथ जी को ना श्री कहा ना जी कहा, और यह भी नहीं कहा कि वो बाप है तुम्हारे। दशरथ शपथ सब सांची कहूं, दशरथ जी की सौगंध में सांची कह रहा हूं। लक्ष्मण जी महाराज को गुस्सा आया, और लक्ष्मण जी महाराज ने सोचा कि इसको थोड़ा तो सिखाना ही पड़ेगा। सुन का एक हाथ पीछे की तरफ गया, और वो बड़ा समझदार था, उसने देख लिया, कहा कि लखनलाल सोचो मत, कर डालो जो करना चाहती हो, पर मैं भी कोई खट्टी खीर नहीं खाया हूं। हाँ समझ लेना, बर तीर मारे हैं लखन पे जो लग्न पांव पखारे हों, भले ही लक्ष्मण जी का बाण मेरे सीने को चीर करके निकल जाए, लेकिन जब तक मैं राम जी के चरणों को नहीं पखाड़ लूंगा तब तक मैं पार उतारने वाला नहीं हूं। और अगर आपने मार दिया ना
तो आपकी बड़ी ख्याति होगी राम जी। बोले क्या? बोले कि अगर मैं मारा गया यहाँ पर तो मेरे परिवार नाते रिश्तेदार जाति समाज बिरादरी के लोग यहाँ मेरी समाधि बना देंगे और इस घाट से लोग निकला करेंगे और निकला करेंगे तो आपकी बड़ी ख्याति होगी। अगर कोर्ट में ये केस गया उसमें भी आपकी ख्याति होगी। कोर्ट में चार प्रश्न पूछे जाएंगे कि किसने मारा, क्यों मारा, किसके सामने मारा। तीन प्रश्न, किसने मारा, क्यों मारा, किसने मारा, किसके सामने मारा, तो तीनों मेरे पक्ष अच्छे हैं। किसने मारा? तो करुणा निधान सरकार ने मारा, भक्तवत्सल भगवान ने मारा। क्यों मारा? बेचारा भगवान का चरणावृंद चरण पखड़ना चाहता था। लोग कहेंगे वाह वाह क्या बात है, बताओ, चरण पखड़ रहा था उसको। किसके सामने मारा? का करुणामयी जनक जननी सीता जी के सामने। सीता जी लक्ष्मण जी का चुप तरुणी चपना बाण बोले लक्ष्मण जी ने तत्काल। और सरकार मैंने एक बात और सुनी आपके बारे में। बोले क्या? बोले आप जिसको मारते हो अंतिम संस्कार भी आप ही करते हो, तो आप मारोगे तो फिर अंतिम संस्कार भी आप ही करोगे। और लक्ष्मण जी एक कंधा तो आपको भी देना पड़ेगा क्योंकि चार कंधे पर चलेगी। लक्ष्मण जी ने कहा यह तो सचमुच में कह रहा है, यार देना का लेना पड़ जाएगा। लक्ष्मण जी महाराज चुपचाप हो गए। तो केवट कहता है कि महाराज बर तीर मारे लखन पे जब लगन पांव उतारे हूं और तब लगन तुलसीदास। अब तुलसीदास जी उस समय कहां आ गए? तुलसीदास जी तो थे ना, लेकिन कवि का अधिकार होता है कि वो जहां जिस प्रसंग में चाहे अपने नाम को स्थापित करता है। लेकिन एक तुलसी का यहां पर अर्थ भी और है। तुलसी मानी तुलसी जी और दास मानी लक्ष्मण जी और नाथ मानी राम जी। तीनों मानी लक्ष्मण सीता और लक्ष्मण राम जी को बिना किसी को पार नहीं उतारूंगा। और तवलंग लंग तुलसी, तुलसी का एक अर्थ और भी है। तुलसी का अर्थ इस तुलसी में तीन अक्षर है, तू ला सी। तू मानी तुम मानी राम जी, ला मानी लक्ष्मण जी और सी मानी सीता जी। आप तीनों में से एक को भी पार उतारने वाला नहीं हूं। तब लग्न तुलसी दास नाथ कृपालु पार उतारे। अब उसके बाद में राम जी ने समझ लिया ये मानने वाला तो है नहीं। तो राम जी ने फिर कहा कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई और सोही कर जही तब नाम न जाई। राम जी ने मुस्कुरा करके कहा कि भैया वही जल्दी कर डालो जिससे नौका तुम्हारी नाव ना जाए, भैया कर लो। केवट कहा सरकार संस्कृत में मत बोलो, इधर उधर की भाषा में गोलो बोलो मत बोलो, हमारी भाषा में बोलो। बोले तुम्हारी भाषा? बोले नहीं, आप तो ये कह रहे वही कर लो जिससे तुम्हारी नौका बच जाए। ये थोड़ी कह रहे चरण पकारो। लोग कहेंगे राम जी ने तो ये कहा था तुम अपनी नौका को बचा लो, वो चरण धो लिया। आप साफ साफ कहो कि पाँव पखारो। तब राम जी ने कहा भैया मैं तुम्हारी भाषा में कहता हूँ, बेगे आने जल पाँव पखारू और होते विलंब उतार पारू। होते विलंब उतार हो पारू। भगवान श्री राम जी ने कहा कि होते विलंब, जल्दी देर हो रही है, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। और इसलिए भगवान श्री राम ने सोई कर जही तब नाव न, उन्होंने कहा कि महाराज बेग आन जल पाओ पखारू होत विलंब उतारा हो पारू। केवट राम रजाय सुपावा और पानी कठौता भर ले आवा। गंगा के पानी को पानी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? जल। और यहां पर पानी लिख दिया। बोले पानी कठौता। पानी क्यों कहा? का जब मोह आ जाता है तो महापुरुषत्व के तत्व चले जाते हैं। और जब गंगा जी ने देखा कि राम जी कह रहे हैं कि मुझे केवट तुम पार उतार दो खड़े खड़े, तो गंगा जी सोचने लगी कि इन्हीं चरणों से मैं निकली, नख निर्गता मुनि बंदता त्रैलोक पावन, ये तो असहाय की तरह खड़े हुए हैं। तो उनको थोड़ा सा मोह आ गया। तो फिर मोह आया तो साधारण पानी हो गया। केवट ने कहा कि माँ चिंता मत करो, अगर साधारण पानी हो गया है मैं राम जी के फिर चरण आप में रखवा देता हूँ और फिर गंगा को गंगा जल बना देता हूँ, फिर पानी नहीं रह जाएगा, फिर गंगा जल बन जाएगा। तो केवट राम रजाय सुपावा और पानी कठौता भर ले आवा। पानी कठौता भर ले। बोले कठौता में पानी लाया? बोले यार थोड़ी भी अकल नहीं है इसको।
अरे पहले के पुराने जमाने में कितना भी कुछ हो, लोगों के गरीब से गरीब लोगों के पास में सोने चांदी की थालियां पुराने जमाने में रहती थी, आज की तरह थोड़ी। एक माता जी एक मार्केट में, पता नहीं उन्हें कहीं से ससुराल से जहां से भी एक अंगूठी मिल गई सोने की। तो माताएं कभी कभी लाख मना करो लेकिन आएंगी पहन के जरूर कथा में, ताकि अगल बगल वाली और नहीं के सामने ऐसे ऐसे करेगी ऐसे ऐसे हो जाती है। फिर रोती है कि हमारी 2.5 तोला की थी, 5 तोला की लाई काय होती। भागवत में साफ साफ कहा हुआ है सोने में कलयुग है, तो क्या जरूरत उसको पहन करके आने की। इसलिए लेकिन नहीं मानेंगे उठाएंगे पहन। सो एक माता जी को सोने की अंगूठी मिली, सुनना। फिर उन्होंने सोची कोई देख रहा ही नहीं, सो पहुंच गई एक सब्जी वाले की दुकान में और सब्जी वाले से बोली, काय बहन जो बैगन का है भाव दो, काय बहन जो लौकी, उन्होंने बता दी लौकी, और जी आलू। ये बोले कि ये लेते कुछ नहीं रही, केवल ऐसे ऐसे कर रही। तब उनका ध्यान गया, ओ उसकी उंगली में अंगूठी है, बार बार ये सोने की अंगूठी दिखा रही। अब वो भी पुराने जमाने की थी, खानदानी धनी, तो उसको भी कोई कमी थोड़ी थी। सो उनको यहाँ पर सोने का कंगन था उसको यहाँ पर, अब वो मर्यादित थी, ब्लाउज के अंदर में छुपा हुआ था। उसने थोड़ा सा ब्लाउज को ऐसा किया, बोले जो लौकी जा भाव है, जो धनिया जा भाव है, जे आलू जा भाव है, क्या दिखावा करना। तो लोग कहते बताओ वो चांदी की, अरे सोने और चांदी के बर्तन में लाना चाहिए। केवट कहता दिखावा नहीं करना, पानी कठौता भर लाया भाव। क्यों लाया कठौता में भर करके? तो दूसरा भाव उसका ये है कि केवट ये कहता है कि ये जो नौका है, इस नौका पर आप बैठोगे तो ये जो नौका पुराने जन्म का गंधर्व और श्राप से फिर ये वृक्ष बना और वृक्ष से नौका बन करके आया, आप इस पर बैठोगे ये तो तर जाएगा, लेकिन जब ये नौका की भी नौका ये मैं कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ नहीं हूँ। ये बाद में नौका के में एक चीज और होती कठौता। अगर आपने देखा होगा जब नौका में भी पानी भरने लग जाता है तो वही कठौता नौका को तैराता है, उसी से पानी उलीचा जाता है बाहर, वो भी लकड़ी का होता है। अगर धातु का हो तो डूब जाए, वो खोजते ही रहे पानी में कहाँ है और पता लगे तब तक गई नौका, इसलिए लकड़ी का होता है, तैरता रहता है। तो बोले वो नौका उस कठौता में पानी भर करके लाया ताकि इस नौका का तो उद्धार होगा ही, लेकिन बेचारा कठौता कहेगा वाह केवट तुमने नौका का तो उद्धार कर दिया और मैं वहीं नीचे तरसता रहा राम के चरणारविंदों को पाने के लिए और तुमने मेरा ध्यान नहीं किया। और इस प्रकार से फिर पानी कठौता, इसलिए कठौता में पानी लिखे। तीसरे संत ने इसका अलग भाव दिया। तीसरे संत ने कहा कि केवट ने हंसी में कहा कि सरकार कठौते में मैं पानी इसलिए लेकर के आया हूँ कि मेरी नौका जिस मटेरियल से बनी है वो भी काठ की बनी हुई है और मामला पूरी नौका का है, इसलिए ये जो हमारा कठौता है वो भी काठ का बना हुआ है। पहले थोड़े से कठौते में आपके पाँव रखवा के देखता हूँ, वो अगर कठौता मौली मौला नहीं बना तो बाद में फिर आपको नाव में बैठाएंगे। इसलिए पानी कठौता भर लिया, इसलिए कठौता में पानी लाया। एक ने कहा, एक संत ने अलग भाव दिया, बोले कठौते में पानी क्यों लाया भर करके? कहा इसलिए लाया, सोने चांदी के बर्तनों में लाना चाहिए था, क्यों नहीं लाया? बोले इसलिए उसमें लेकर के आया कि केवट ये कहता है कि अगर कहीं बाद में उसने देखा महात्माओं की लाइन लग गई चरणामृत लेने के लिए और कहीं चरणामृत बांटते 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 मेरे लिए नहीं बचा तो फिर मैं क्या करूंगा। तो बोले ऐसे बर्तन में चरण पखारो कि वो बर्तन खुद भी सोख ले, और अगर धातु के बर्तन में लाते तो चरणामृत सोखता नहीं। सो उसने कहा काठ के बर्तन में पांव पखारो तो वो खुद सोख लेगा, और जब अगर खत्म भी हो गया तो कह देंगे चरणामृत खत्म, और घर में जाकर के पानी डालेंगे फिर चरणामृत निकल आएगा अंदर से। इसलिए पानी कठौता भर ले आवा, कठौते में पानी भर करके लाया। और एक छठे संत ने अलग अर्थ बताया, बोले इसका भाव क्या है, कठौता में पानी क्यों भर करके लाया? बोले पानी कठौता भरी ले आवा, इसलिए पानी भर करके कठौते में लाया। उसने दुनिया के लोगों को शिक्षा दी कि भगवान को प्राप्त करने के लिए सच्चे प्रेम की आवश्यकता है। तुम्हारा वर्तन चाहे सोने चांदी का हो चाहे ना हो, चाहे लकड़ी का हो चाहे मिट्टी का हो, लेकिन अगर तुम्हारा प्रेम सही है तो भगवान तुमको मिलेंगे, क्योंकि भाव बस भगवान, सोने चांदी की जरूरत नहीं है। तुम तो प्रेम रखो क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो
जान निहारा। राम को केवल प्रेम प्यारा है, इसलिए पानी, अब ये लंबी बात है, उसके बाद में अति आनंद उमगी अनुरागा, क्योंकि मिला है न रघुपति पिनु अनुराग के। हस्तारविंद में जब प्रभु के चरणारविंद आए तो महाराज वो चरण को पकड़ना ही भूल गया, तो जो दया नहीं आती। केवट ने कहा, सरकार मेरी नौका का मामला है, ज्यादा गर्जने बरसने की अब कोई जरूरत है नहीं। हाँ, मेरे इसमें इनके चरणों से थोड़ी। राम जी मुस्कराए, अभी तो हाथ दुनिया में इतने भक्त हुए लेकिन आज तक ऐसा कोई भक्त ही नहीं हुआ जिसके कर कमल में प्रभु के चरण कमल और सिर पर राम जी के कर कमल। गोस्वामी जी ने लिख दिया कि देवता लोगों से रहा नहीं गया और वो केवट के ऊपर फूल बरसाने लगे। बरस सुमन सूर सकल सिहाई, एही सम पुण्य पुंज को नाही। बरस सुमन सूर सकल सिहाई, एही सम पुण्य पुंज को नाही। एही सम पुण्य पुंज को नाही, यही सम पुण्य पुण्य को नाही। का बड़े बड़े सृष्टि दुनिया में हो गए, पुण्यात्मा हो गए, लेकिन भैया केवट के सामने सब नगण्य है। यही सम पुण्य पुण्य को नाही। बड़े भाव के साथ में चरणामृत पखारा। राम जी ने कहा कि अब चलें, बोले कहाँ, बोले उस पार, बोले थोड़ा सरकार एक काम और रह गया है। बोले अभी भी तेरे काम खत्म होंगे कि नहीं होंगे। बोले असल में क्या है कि हम केवट की जाति हैं, कभी प्रयाग गए नहीं, कभी तर्पण अर्पण किया नहीं, और हमने सुना है जहाँ जहाँ राम चरण चल जाही, तुम्हारे जहाँ चरण जाते हैं वही तीर्थ बन जाते हैं। इसलिए एक काम करो कि हमने राम जी ने वेद मंत्र पढ़े महाराज, और उसके बीच में केवट ने अपने पितरों का तर्पण किया। पद पखारे, चार चीजें होती हैं, परमार्थ स्वार्थ नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, इसे कहते हैं स्वार्थ। ऐसा स्वार्थ होना चाहिए। सबसे पहले उसने कहा, पहले मैं अपना स्वार्थ तो बना लूं। पद पखार जल पानी कर और आप सहित परिवार, पितरी पारु करी प्रभु ही पुनी मुदिति गयोले पार। राम जी ने कहा अब चले, कहा सरकार अब। केवट के आंखों में आंसू है, तोड़ करके उसने गमछे से नौका को साफ किया। सरकार छोटी नौका है, इसलिए राम जी का हस्तारविंद पकड़ करके सहारा दिया, राम जी को बैठाया। किशोरी जी से कहा कि किशोरी जी, माता जी आप इन्हीं के बगल में बैठ जाओ। अब लक्ष्मण जी ने कहा, और हम, बोले हमने आपके लिए भी जगह, वो जो कोने वाली पीछे की जगह है ना, आप उनके बीच में आप खड़े हो जाओ, आपकी फोटो बहुत अच्छी आएगी। अब लक्ष्मण जी महाराज दोनों के बीच में पीछे कोने में जाकर के खड़े हो गए, जो नौका ऐसी होती ना वो पीछे खड़े हो गए। और उसके बाद में कहा कि भैया आप चलो। उसके बाद में केवट आया और बैठ गया, चरणों में प्रणाम किया, और महाराज थोड़ी चलाई और चलाना बंद कर दी, नौका ही नहीं चलाए। नौका बह रही बीच धार में, नौका बीच धार में बह रही थी। लक्ष्मण जी इधर उधर देख रहे हैं, बोले सरकार भी क्या ना, कुछ नहीं बोलते इसको, मैं ही सब बात का ध्यान करूं। लक्ष्मण जी ने कहा, भाई साहब, बोले हाँ बोलो लक्ष्मण, क्या बात है। कहा थोड़ा तो आप ध्यान दो, सांझ ढलने वाली है और ये देख रहे हैं आप इसको, ये नौका ही नहीं चला रहा है, और जब ये नौका चलाएगा नहीं तो आप बताइए आप पार कैसे होंगे, आप तो इसी प्रकार से यहीं पर बने रहेंगे, पार कर ही नहीं पाएंगे। और जब राम जी ने देखा तो राम जी ने केवट से कहा कि भैया ये तुम क्या कर रहे हो, नौका चलाओगे नहीं तो फिर हम कैसे उस पार पहुंचेंगे। और तब उसने ये कहा कि सरकार हमने सुना है कि आपको 14 वर्ष का वनवास मिला है और आपका वनवास तो शुरू हो चुका है, तो मैं ये चाहता हूँ कि वर्ष दो वर्ष आप इसी नौका में बैठे रहो और आपको जंगलों जंगलों में ही घुमाऊंगा, इधर उधर कहीं नहीं ले जाऊंगा, इसलिए आप इसी, आपका वनवास तो चालू हो चुका है, उसमें क्या आपको दिक्कत है। केवट कहता है कि जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम,
तो फिर क्या नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ओ जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तो फिर क्या नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, ओ अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। पाप करते निसि बासर जाही, पाप करते निसि बासर जाही, नहीं कटी पटी नहीं पेट अघाही, नहीं कटी पटी नहीं पेट अघाही। किए पाप कितने ये, ओ किए पाप कितने ये, लेखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तो फिर क्या नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, हाय अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। नहीं जप जोग नहीं संयम समाधि, नहीं जप योग नहीं संयम समाधि, झांकी को देख चित्त लागी समाधि, झांकी को देख चित्त लागी समाधि। जागे भागे ऐसे मेरे, ओ जागे भागे आज मेरे, शरेखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, ओ अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। और इस प्रकार से राम जी को केवट ने पार उतारा। केवल 10 मिनट की बात है, आप शांति से बैठे रहें। और एक बात आपको बताएं कि आरती का दर्शन किए बगैर जाना नहीं चाहिए। आरती का अर्थ होता है हरत आरत आरती रघुनाथ की। जीवन के जितने कष्ट होते हैं जब आप कथा श्रवण करते हैं तो वो तैयारी कर लेते हैं बाहर निकलने की, लेकिन वो कब जाते हैं, कहा जब आरती का दर्शन कर लेते हैं उसके बाद में जाते हैं। और अगर आप आरती के दर्शन किए पहले उठ गए तो मामला थोड़ा सा बिगड़ जाता है। इसलिए बहुत गई थोड़ी रही इतनी देर तो बैठी, तो आरती के बाद में। और ध्यान रखना अभी कथा 3 दिन है, और इसलिए 3 दिन तो आपको कथा को बच्चों को भी लेके आना है, बुजुर्गों को लेकर के आना है। और अपने पुराने ज़माने में ट्रैक्टर निकालते थे, अपनी ट्रालियों को निकाल दो और सबको बैठा करके लाओ। तो मैं आपको कह रहा था उतर ठाण भय सुर श्री रेता, शीय राम गहे लखन गुहे लखन समेता, केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीना। राम जी संकोच में पड़ गए, इसे कुछ दिया नहीं है। लेकिन जिसकी धर्म पत्नी हो उसके पति को कहीं नीचा नहीं झुकना पड़ता। पिए ही की शीय जानन हारी, मनी मुदरी मन मुदत उतारी, पति की गरिमा रहेगी तो सब कुछ रहेगा। और केवट ने वो भी देख लिया, जैसे लक्ष्मण जी के हाथ को देख लिया था ना, उसने देख लिया ये मुद्रिका कहाँ से आई। केवट ने कहा सरकार हम कुछ नहीं लेंगे, बहुत काल में कीन मही मजूरी, आज दिन विधि बलि भरपूरी, अब कछुनाथ न चाहिए मोनुग्रह तोरे, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो मांग लो। कहा कि असल में मैं ले लेता, लेकिन हमारी और आपकी बिरादरी एक है और बिरादरी में लेन देन का काम करते नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा ये फिर बिगड़ गया। अब कहता है बिराद काम सूर्यवंशी राम,
और कहा तू केवट कैसे एक हो गए? कहा वो महाराज ऐसे थोड़ी होता है, ये आपके हिसाब किताब है, हमारा हिसाब किताब। बोले क्या? बोले जो जो काम करता है उसकी बिरादरी एक मानी जाती है, आप भी केवट और हम भी केवट, आप विशाल भवसागर के केवट हो और हम इस गंगा के केवट हैं। इसलिए नाई से न नाई लेते और धोबी से न धोबी लेते, देखे मजदूरी मेरी जाति ना बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट तो पार में उतार दीन हो, जब आऊं तुहरे घाट तो पार मोहि उतारिए। मैं आज आपके घाट पर, आप मेरे घाट पर आए तो मैं कुछ ले रहा हूं, जब मैं आपके घाट पर आऊं तो आप कुछ मत लेना। राम जी ने कहा तू अगर मुझसे नहीं ले रहा मेरी जात बरादरी एक, तो सीता जी से कहा तुम ही दे दो। और सीता जी जब देने लगी तो वो बहुत रोया, बोले आपसे तो बिल्कुल नहीं ले सकता हूँ। बोले क्यों नहीं ले सकते, इनसे तो ले लो। कहा कि असल में ये हमारी बिटिया लगती हैं, इनके पिताजी हमारे भाई लगते हैं, तो उनसे भी रिश्तेदारी है तेरी। बोले उनसे क्या रिश्तेदारी, कब तेरी रिश्तेदारी हुई? कहा रामचरितमानस में आपके चरणारविंदों को पखारने का सौभाग्य केवल दो लोगों को मिला है। जिस समय सीता का विवाह हो रहा था, जनक निज कर जनक अवधपति चरणा राजा जनक जी ने अपने हाथ से बहुर राम पद पंकज धोए, जे हरि हृदय कमल, राजा जनक ने आपके चरण पखारे या मैंने चरण पखारे? पहले उन्होंने पखारे इसलिए वो बड़े भाई, और बाद में हमने पखारे इसलिए हम छोटे भाई। और महाराज ऐसा नियम होता है कि अगर बड़े भाई की बेटी अपनी ही बेटी होती है, अगर बड़े भाई की बेटी मेरे दरवाजे पर आए तो अगर मैं कुछ दे नहीं सकता तो प्रभु मैं इतना भी नहीं गिर गया हूँ कि अपनी बेटी की उंगली को मैं सुनी करवा दूँ और मैं उससे उंगली अंगूठी ले लूँ, ऐसा मैं नहीं कर सकता। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले विदा कीन करुणायतन। रामचरितमानस में भगवान ने बिना मांगे भक्ति अगर किसी को दी है तो केवल तीन लोगों को दी है, एक केवट को। विदा कीन करुणायतन भगत विमल वर दे, काग्व सुन जी मांगते रहे प्रभु का दैन सकल सुख सही, लेकिन भगत आपनी दैन न कही। और अगर दूसरे किसी को दी है तो सुतीक्षण को दी है, पंत कहत न जब भगत अनूपा और मुनि आश्रम पहुँचे सर्वभूपा। और तीसरे भगवान ने ये भक्ति अगर किसी को दी है तो सबरी को दी है, सबरी तो भाग रही थी और भगवान राम जी कहते हैं नौधा भगत कहो तुह पाही, सावधान सुन धर्म माही। तो केवट